नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री और भारतीय एयरटेल दोनों शेयर के बीच में अगर आपको कोई एक शेयर लेना पड़े तो आपको कौन सा लेना चाहिए, इसी टॉपिक के ऊपर आज का हमारा ये वीडियो है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना, और यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या कुछ करना है। तो सर, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्री दोनों ही दिग्गज कंपनी है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के अंदर, और आज हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि दोनों में से कौन सा एक लेना चाहिए। ये सारा कुछ आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के अंदर। छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो सर, यहाँ पर 19 फरवरी 2021 का जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 2080 रुपया। तो इस प्राइस के ऊपर क्या लेना चाहिए, देखिए सर, चार्ट अगर आप इसका ऑल टाइम चार्ट देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि ये दिक्कत कभी कभी आती है और कभी कभी आपको यहाँ पर बहुत अच्छा खासा मूव भी देखता हुआ नजर आएगा। लेकिन सर, मुद्दे की बात क्या है जानते हैं? मुद्दे की बात है कि आप में दिक्कत क्या है, आप में क्या सुधार लाना चाहिए, यही मेन दिक्कत है इस सेगमेंट का, इस सेक्टर का। टेलीकॉम इंडस्ट्री अगर आप बात करें, इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे की यहाँ पर रिक्वायर रहती है, मतलब रिक्वायरमेंट हमेशा पैसे की रहती ही है। तो अगर आप उस पैसे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो सर आपको इंडस्ट्री से बाहर चला जाना होगा। और रही बात भारतीय एयरटेल की, तो सर भारतीय एयरटेल का क्लोजिंग प्राइस 19 फरवरी को देखें तो 581 रुपया। आपको ये प्राइस अगर आप देखिए तो कि सर दोनों शेयर, अगर दोनों ही दिग्गज कंपनी है तो दोनों शेयर के प्राइसेस क्यों अलग अलग है और मार्केट कैप क्यों अलग अलग है, तो सर कहना चाहूँगा अगर आप सिर्फ और सिर्फ जियो को निकाल लें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर से तो आपको वैल्यूएशन पता चल जाएगा। और यहाँ पर जो भारतीय एयरटेल का प्राइस आप देख रहे हैं, मार्केट कैप देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इनका जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, टेलीकॉम बिजनेस है, इसी का है सर, ठीक है। तो आपको मैं कहना चाहूँगा, फ्रेश टेलीकॉम इंडस्ट्री लेना चाहते हैं, फ्रेश टेलीकॉम इंडस्ट्री, कोई लफड़ा यहाँ पर आप रखना ही नहीं चाहते, कोई दिक्कत की बात रखना ही नहीं चाहते, तो भारतीय एयरटेल का स्टॉक लेकर आप बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास इंडिया की नंबर वन कंपनी हो, मेरे पास ऑयल एंड गैस का भी यहाँ पर कुछ पोर्सन हो, रिटेल का भी कुछ पोर्सन हो, और साथ ही साथ टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ का एक भरपूर पोर्टफोलियो मुझको मिले, तो मैं आपको कहना चाहूँगा आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को भी प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन सर कुछ दिक्कत यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी दोनों ही स्टॉक को लेकर, कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है उनको अगर आप देखें, रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर आप प्राइस यहाँ पर देखें तो 2080 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा, और ये आपको 580 के आसपास दिखेगा। तो सर अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा रिटर्न बन जाएगा, तो सर ये जो मिथ है, ये मिथ आपको पहले अपने दिमाग से निकाल लेना है। क्योंकि सर अगर आप यहाँ पर प्राइस देखने जाएंगे तो प्राइस उसके साथ आपको पी भी देखना होगा। सर अगर आप देखिए, भारतीय एयरटेल का पी आपको अभी भी नेगेटिव में ही दिखेगा, क्योंकि सर अर्निंग वगैरह अभी तक नेगेटिव में है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है सर, भारतीय एयरटेल अभी भी अगर आप देखें जो कस्टमर एडिशन है, यानी कि कस्टमर ऐड करने की बात अगर देखें, तो सर वो अभी भी अगर आप देखें भारतीय एयरटेल जियो को बीट कर रहा है। और कंप्लीटली अगर आप देखें दिसंबर के क्वार्टर में भी भारतीय एयरटेल ने रिलायंस जियो को बीट किया है। और मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, एक और दिक्कत की बात कंपनी को लेकर यहां पर आ रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर, कि सर इनका जो पंजाब और हरियाणा के अंदर जो कुछ दिक्कत चल रही है सर, उसके चलते भी देखे तो सर इनका जो कस्टमर बेस है जियो का, वो सर कम होता हुआ दिख रहा है। उसके चलते भारतीय एयरटेल और VI यानी कि वोडाफोन आइडिया को यहाँ पर थोड़ा बहुत गेन होता हुआ दिखेगा, BSNL को भी यहाँ पर फायदा होता हुआ दिखेगा। लेकिन सर ये टेम्प्रेरी बात है सर, कंप्लीटली अगर आप देखें कि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ का डिमांड कैसा रहेगा, सर दोनों ही स्टॉक शानदार है। अगर आप मेरे से पूछें कि सर मैं कौन सा लूँगा, तो सर मैं आपको फ्रेंकली बताना चाहूँगा, पर्सनली बताना चाहूँगा, मेरे पोर्टफोलियो के अंदर ये दोनों शेयर ही है और लंबे अवधि की नजरिए से मैंने यहाँ पर निवेश किया है। और आप अगर मेरे से पूछे कि सर कौन सा लेना चाहिए, तो मैं आपको कहना चाहूंगा सर फ्रेश टेलीकॉम लेना चाहते हैं तो सर भारतीय एयरटेल को आप प्रेफर कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि उसके साथ साथ आपको इंडिया की नंबर वन कंपनी का खिताब जो किया सर वो भी आपके पोर्टफोलियो में रहे, और साथ ही साथ ऑयल एंड गैस, रिटेल बिजनेस, ये सारा कुछ भी आपको आपके अपने पोर्टफोलियो पे मिल जाए, तो सर मैं कहना चाहूंगा सर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी यहाँ पर आप प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन कई कोई एक शेयर अगर यहाँ पर लेना पड़े तो सर मैं, मेरी पहली पसंद जो होगी सर, ये आपको इसके चलते आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, मेरी पहली पसंद जो कि सर वो भारतीय एयरटेल है। और रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल दोनों ही अच्छी कंपनी है, दोनों ही अच्छे स्टॉक है। लेकिन सर मेरी पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरी पर्सनल ओपिनियन जो कि है सर, मेरा पहला चॉइस जो कि है सर वो भारतीय एयरटेल रहेगा। तो सर यही था आज का ये वीडियो, इसके चलते आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, मैं बस आपको बताने की कोशिश कर रहा था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए, और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ।